सालों का इंतज़ार, कुछ सालों का इंतज़ार उस पल ख़त्म होने को था, कुछ सालों का इंतज़ार उस पल ख़त्म होने को था। एक नामुकम्मल इश्क़ ज़ुबा को, एक नामुकम्मल इश्क़ ज़ुबा को शायद उसकी मंजिल मुकम्मल होने को थी। वो आया बड़े ही सादे लिबास में, क्योंकि उसे पता था कि एक उसकी सादगी ही तो है जो मुझे भाती है, वरना आवारापन के लिबास में लिपटी हुई हर दूसरे शख्स को ये नजरें शाम ढलते ही गलियों में पाती है। वो आया आके खड़ा हो गया। कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, प्यार नहीं होगा तुमसे ऐसा नहीं है, पर साथ हमारा मुनासिब नहीं है। मैं भी चुप हो गई, नजरें झुकाई, पर फिर अगले ही पल अपनी सारी ख्वाहिशों को समेट कर बोली, चलो कोई नहीं, ताउम्र साथ का वादा ना हो तो ना सही, एक सफ़र मुकम्मल करते हैं, कुछ दूर चलते हैं, एक आखिरी सफ़र ही सही, पर इसे तो मुकम्मल करते हैं। शाम ढल रही थी, ठंड बढ़ रही थी, पर एक अलग सा सुकून था, या यूं कहूँ मुझे उसके मेरे साथ होने पर गुरूर था। उस समय मानो मैं चांद से भी ज़्यादा निखर रही थी, उस सूरज की रोशनी में मैं पल पल ढल रही थी। सूरज, हाँ वो मेरा सूरज है, क्योंकि उसके लिए ही तो मैंने अपनी तमाम रातों की काली स्याही को भोर के कोरे कागज़ पर पिरोया था। उस समय मानो मैं किसी शाही हरम की बेगम एक खास थी, हर पल अपने शहंशाह के साथ ना सही तो क्या उनके दिल के तो पास थी। कुछ दूर साथ चलने के बाद मैं रुक गई, उसकी तरफ देखा और मुड़ गई। जब इनकार ही था तो इतने सालों का इंतज़ार क्यों। उसने नज़रें झुका ली और फिर बोला, चलो कुछ दूर और चलते हैं, इस आखिरी सफ़र के कुछ आखिरी पग मुकम्मल करते हैं। कुछ एक घंटे बाद मैंने उससे कहा, चलो अब मैं चलती हूँ, खुश रहो तुम अपनी ज़िंदगी में, बस यही दुआ अब मैं करती हूँ। उसने दबे शब्दों में कहा, मेरी ज़िंदगी ही मेरी खुशकिस्मती की दुआ मांग रही है। जाते हुए मैंने बस उससे इतना कहा, कुछ और ना सही तो ना हो, अपनी यादों का एक हिस्सा तो दे दो, जो मैं दुनिया को सुना सकूँ वो किस्सा तो दे दो। उसने कहा, चलो एक तस्वीर लेते हैं, एक तुम रख लेना, एक हम रख लेते हैं। बात ख़त्म हुई तब इसी कहानी से। अब तो था हर सफ़र अकेले ही तय करना उस नाचीज़ की मेहरबानी से, पर ये ज़िंदगी है जनाब, करवटें तो लेना इसकी फितरत है। कुछ सालों बाद मैं एक बच्चे से मिली, थी उसकी परवरिश ही कुछ अलग सी। चंद मुलाकातों के बाद वो मेरे पास आकर बोला, चलो एक सफ़र मुकम्मल करते हैं, कुछ नया कुछ अलग आपके साथ आगे चलकर लिखते हैं। मैंने पूछा ये नज़्म तुमने कहाँ से सुनी। बड़े ही गुरूर के साथ बोला वो, ये तो है मेरे पापा के एक दोस्त की लिखी हुई। उसने मुझे एक दोस्त का दर्जा तो दिया, कोई भूला हुआ किस्सा समझकर भुलाया तो नहीं। मैंने पूछा उससे तुम्हारे पापा कहाँ हैं। वो बोला, वो वहाँ है। बस मम्मी का मत पूछना क्योंकि उनका मुझे भी कहाँ पता है। 4 साल के उस इंतज़ार के बाद आज उसके इनकार का मतलब समझ आ गया। वो जिस पर उसका सारा ध्यान था, खुदा ने मुझे उससे रूबरू करा दिया। फिर जब मैंने सोचा तो खुद पर ही तरस आ गया, अरे ये तो वो ही बच्चा है
जिसे सालों पहले एक बरसात की रात में वो सड़क से उठा लाया था, क्योंकि शायद तब एक माँ ने मजबूरी में अपने जिगर के टुकड़े को ठुकराया था। अब आज मेरा गुरूर उस पर और भी गहराया था। जिंदगी हो तुम, इसका मतलब भी समझ आया था। चलो कुछ दूर और चलते हैं, एक सफर नहीं जिंदगानी लिखते हैं, कहकर मैंने उस बच्चे का हाथ थामा। और जानते हो क्या, सुकून था वो वही सालों पुराना। हाँ, सुकून था वो वही सालों पुराना। थैंक यू।